नमस्कार, न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र मुद्दे पर झारखंड की चुनावी राजनीति को गरमा दिया है। अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने जमशेदपुर पहुंचे ओवैसी ने कहा कि भारत का मुसलमान कांग्रेस पार्टी से जवाब चाहता है कि वह बताएं कि बाबरी मस्जिद को गिराने वाले शिवसेना के साथ उसने निकाह क्यों किया है। उन्होंने जमशेदपुर पश्चिमी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता का नाम लेते हुए कहा कि वो बताएं कि इनकी कांग्रेस पार्टी ने कौन सी सीरियत को मानकर उस शिवसेना जिसके सुप्रीमो बाल साहब ठाकरे ने कहा था कि हाँ हमने मस्जिद गिराया है और ईंट उठाकर ले आए हैं, उनके साथ समझौता किया। आगे क्या कुछ उन्होंने कहा अपने सभा के दौरान वो सुनिए। कि पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट में यूएपीए का कानून आया जिसमें किसी का नाम लिखकर उसको टेररिस्ट लिस्ट में ला दिया जाएगा। यही कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया था, यही कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया था। और आप और हम जानते हैं कि जब टेररिस्ट का नाम लिखा जाएगा तो देखा जाएगा कि किसके चेहरे पर दाढ़ी है, किसके चेहरे पर टोपी है। ये तारीख
तो फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।